ओके, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने हमारा जो रेनफॉल था, प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक हैज अ ओरोग्राफिक टाइप, वो हमने कंप्लीट किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सी वाले पार्ट पे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, अब आप लोगों ने साइक्लोन के बारे में पहले भी सुना है। जैसे हमने ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल में देखा कि प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल और द बैरियर, ठीक है, वैसे ही हम यहां पर देखेंगे कि साइक्लोनिक रेनफॉल भी अकर होगा, यानी कि क्लाउड्स जो एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे हैं, उसे साइक्लोन अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा, एटमोस्फेरिक लेवल 1 से एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे जाएगा, ठीक है, और 2 पे जाने के बाद वो अगेन वहां पर कंडेंसेशन करेगा और सैचुरेशन करेगा और हमारा यहां पर प्रेसिपिटेशन अकर होगा, ठीक है। सो उससे पहले समझने वाली चीज ये है, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये दो चीजों को अगर आप समझ गए तो आप साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में, आपको जो कंसेप्ट है वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट, जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, साइक्लोन इज अ स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, याद रखना है कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। कभी भी साइक्लोन फॉर्मेशन होगा तो उसके पीछे का जो रीजन होगा वो होगा एयर प्रेशर। क्या होगा, एयर प्रेशर, ठीक है, एक स्पेसिफिक एयर फॉर्म होता है, ठीक है, और वो एयर फॉर्म होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेशर इन एन एरिया इज लेस देन सराउंडिंग क्रिएट्स एयर फॉर्मेशन एंड लीड्स टू साइक्लोन। ठीक है, अब यहां पर प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा कि साइक्लोनिक कब क्रिएट होगा, जब एक स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन होगा और प्रेशर की वजह से। सो ये प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, जब हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, और हमारे सेंटर पार्ट में काफी ज्यादा यहां पर प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा कि साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बीच में द सेंटर ऑफ द पार्ट में क्या होगा, एयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो एयर है वो एयर सर्कुलर मैनर में घूमना स्टार्ट कर देगा। कैसे घूमेगा, सर्कुलर मैनर में। जब ये सर्कुलर मैनर में घूमेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर की तरफ का जितना भी एयर है, ठीक है, जो सराउंडिंग में एयर है वो कम हो जाएगा और सेंटर पार्ट में सबसे ज्यादा एयर आएगा। अब होता क्या है कि ये साइक्लोन धीरे 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 एयर फॉर्मेशन की वजह से बड़े होते जाते हैं और जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे, ये क्या करेंगे कि एटमोस्फेरिक लेवल 1 के जितने भी क्लाउड्स हैं, ठीक है, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स हैं, जो ओशन से मॉइस्चर को लेडन करके ला रहे हैं, इन क्लाउड को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करके ये इनडायरेक्टली अगेन एटमोस्फेरिक लेवल 1 से एटमोस्फेरिक लेवल 2 में लेकर जाएगा, ठीक है। और जब ये एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे जाएगा तो होगा क्या कि यहां पर टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर इन द एटमोस्फेरिक लेवल 1, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि टेम्परेचर एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे ज्यादा होगा, टेम्परेचर एटमोस्फेरिक लेवल पे 2 पे कम होगा। जब एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे टेम्परेचर कम होगा तो यहां क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। याद रखना है कि एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे अगर इवापोरेशन होता है तो एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे कंडेंसेशन होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये कंडेंसेशन एटमोस्फेरिक लेवल 3 पे भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ रेनफॉल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे कंडेंसेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अबाउट दी साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज साफ साफ बोला है रेनफॉल विच अकर्स ड्यू टू साइक्लोन। व्हाट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, रेनफॉल विच अकर्स ड्यू टू साइक्लोन, सच रेनफॉल सच प्रेसिपिटेशन इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। और ये साइक्लोन कब कैसे बनेगा, ये साइक्लोन स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन से बनेगा ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब सराउंडिंग में एयर सराउंडिंग में प्रेशर कम होगा, लेस होगा, और सबसे ज्यादा सेंटर पार्ट में प्रेशर बनेगा, तब ये सर्कुलर मैनर में घूमना स्टार्ट करेंगे और साइक्लोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो अब हमने टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज अ रेनफॉल में 3 पार्ट हमने कवर कर लिया, जो कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कन्वेंशनल रेनफॉल, हमने पढ़ा ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल और हमने पढ़ा साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने हमारा कवर कर दिया।
अब हम नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्नो फॉल, हम स्नो फॉल के बारे में स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेल स्टोन, हम हेल स्टोन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपको प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट समझ में आ चुका है, अब आपके लिए स्नोफॉल और हेल स्टोन पढ़ना काफी इजी है, ठीक है। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू लर्न अबाउट द स्नोफॉल एंड हेल स्टोन। सो फॉर द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्नोफॉल एंड हेल स्टोन, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगेन मैं यही चीज रिकमेंड करूंगा, इसका पर्टिकुलर नोट्स बनाएं, ठीक है। और ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एग्जाम में आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देखना है आपको, साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में देखना है, समझना है, और आपको ओन फ्रेमिंग करके आंसर्स लिखना है, ठीक है। बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो आपके स्टडी के लेवल के भी स्टैंडर्ड्स उस तरीके से बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द साइक्लोनिक रेनफॉल प्लीज मेंशन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है, आपको फैसिलिट किया है कि अगर आपको अपना रिव्यू या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नोफॉल। थैंक यू।